हेलो। तो अब नेक्स्ट डे आ जाता है अपने पास, थर्सडे के बाद फ्राइडे। तो फ्राइडे में हमें थोड़ा रनिंग्स करनी है, जैसे कि हम मंडे को की थी हमने रनिंग। तो फ्राइडे मॉर्निंग में आपको 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है। अब आप 2 किलोमीटर भी कर सकते हो, 2 किलोमीटर कर सकते हो, 1.5 किलोमीटर भी कर सकते हो। ये आपको अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग, बट इतने से कम नहीं करनी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफ सीजन वर्क कर रहे हो या सीजनल वर्क कर रहे हो, तो सीजन में ये चीज 800 मीटर आ जाएगी। तो ऑफ सीजन में आपको 2 किलोमीटर तक रखनी चाहिए। उसके बाद आप एबीसी एक्सरसाइज करेंगे वार्म अप के बाद, जो बॉडी की मूवमेंट्स करके, देन आपको एबीसी एक्सरसाइज करनी है। एबीसी एक्सरसाइज आपको 10 to 11 या 12 कर सकते हैं, जो मैंने मंडे मॉर्निंग में आपको बताई थी। ठीक है, वो एक्सरसाइज हो जाएंगी आपकी। एबीसी एक्सरसाइज करने के बाद आपको सम लिटिल बिट कोर करनी है विद मेडिसिन बॉल सिटअप्स, साइड थ्रो। बैक थ्रो नहीं करो आप उस दिन, लेट के हाइपर हाइपर टाइप में थ्रो करते हैं। पीछे एक बंदा आपके एंकल्स होल्ड कर लेता है, देन आप स्ट्रेट लेटे हो तो आगे से उठना है, देन थ्रो, फिर आएगी बॉल, देन उठना है, देन थ्रो। आपकी वो हाइपर एक्सटेंशन बहुत पावरफुल हो जाएगी, स्ट्रेंथ रहेगी बैक के अंदर। ठीक है, उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। फिर आप उसके बाद सम आपके पास बैंड्स होंगे, थेरा बैंड्स, स्ट्रॉन्ग वाले थेरा बैंड, उनको लेके आपको खड़े खड़े शोल्डर मोबिलिटी करनी है। ठीक है, समझे? जैसे पावर पोजीशन में खड़े हो गए तो आपको इसकी मोबिलिटी करनी है, इसको स्ट्रेच करना है प्रॉपर, ये चीज को, इस चीज को स्ट्रेच करना है, ये फिर इसको चढ़ाना है ऊपर। तो इसके अलग अलग वे हैं, ये मैं वीडियो बना दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बट आपको थर्सडे मॉर्निंग में ये सब करना है, क्योंकि इवनिंग में है, और फ्राइडे मॉर्निंग में, क्योंकि आपकी इवनिंग में थ्रो सेशन है, तो आपके शोल्डर ओपन हुए होने चाहिए, खुले हों थोड़े से, फ्री वो चीज। तो ये चीज करने के बाद आप कंडीशनिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है उस दिन, आपको वेट के साथ कुछ नहीं करना है, क्योंकि हाइपर ऑलरेडी आप कर चुके हो विद मेडिसिन बॉल। तो वो आपका मॉर्निंग में स्मॉल सेशन होगा, फ्राइडे मॉर्निंग का स्मॉल सेशन है। देन आप अच्छे से स्ट्रेचिंग करके जाओ, मोबिलिटी करके जाओ, विद पार्टनर स्ट्रेचिंग करो फ्री। फ्राइडे मॉर्निंग आफ्टरनून को आपको थ्रो सेशन है, तो थ्रो सेशन के अंदर आपको ऑफ सीजन वर्क में है, तो अभी आपको आज के दिन पहले तो आप 1 किलोमीटर रनिंग करेंगे, देन 5 to 6 एबीसी एक्सरसाइज करेंगे, 2 3 स्प्रिंटिंग करेंगे 40 60 मीटर 2 2, देन आपको रनअप्स उस पे जाना है, आपने जेवलिन वाली पिट के ऊपर जाना है। वहां जाके आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में पैगिंग करनी है। ओके, राइट। पैगिंग आपको कोशिश करना कि जैसे मैंने बताया था कि ये वाला हाथ आपका पैगिंग के अंदर ऊपर रहना चाहिए, खिंचा हुआ, ये पोजीशन नहीं करनी, इसमें पैकिंग नहीं होगी। ऊपर रख के इसको नीचे थ्रो करना है आपको, वो आपके शोल्डर के ऊपर पेनफुल नहीं होगी, एल्बो के ऊपर पेनफुल नहीं होगी, ये चीज आपको करनी है। इसकी आपको 10 थ्रो करनी है, शोल्डर ऊपर रख के नीचे करने वाली। देन आपको थोड़ा इसको हल्का नीचे रख सकते हो कितना, फिर आपको ये चीज को डाउन रख के 10 मीटर 10 मीटर to 15 मीटर तक पैगिंग कर सकते हैं। ओके, इनफ, इससे ज्यादा लंबी पैगिंग नहीं करनी। ये आप 20 to 25 कर सकते हैं, टोटल आपकी 35 पैगिंग हो जाती है। रेस्ट रेस्ट उसके बाद, क्योंकि आप ऑफ सीजन में हैं, आप आयरन बॉल थ्रो कर सकते हैं। आयरन बॉल अगर आपकी एज है अंडर 18, तो आपको आयरन बॉल लास्ट 700 to 800 ग्राम्स ही होना चाहिए आपका। अगर आपकी एज है 20 तो आपका 1 kg तक हो सकता है। अगर आपकी एज मेरे वाली है या आपकी अब 25+ है, तो आप 1.5 kg या 2 kg, 2 kg के साथ आपको रनिंग से नहीं आयरन बॉल थ्रो करनी है नेट के अंदर या वॉल के अंदर। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब आयरन बॉल के साथ थ्रो करो तो आप ओपन में नहीं करोगे। ओपन यानी कि जहां हम जेवलिन करते हैं वहां पर हमें डिस्टेंस नहीं लेना है उनके साथ, वो आपको ऑन वॉल करनी है, ऑन नेट करनी है, नेट के अंदर मारनी है, वॉल के अंदर किसी दीवार के अंदर मारनी है, ताकि
वहां पर आप डिस्टेंस नहीं लेते हैं, वहां पर आप अपनी टेक्निक को फॉलो करते हैं। जब आप ओपन में करते हैं, आप डिस्टेंस लेते हैं, तो आप इंजरी खा जाते हैं। एल्बो की हो सकती है, वो शोल्डर की हो सकती है, वो आपकी लोअर बैक की हो सकती है, क्योंकि आप हैवी के साथ डिस्टेंस लेना चाहते हो, तो वो डिस्टेंस हमें नहीं लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आपको स्टैंडिंग मैं अपने बता देता हूँ, आप उसके हिसाब से अपनी परसेंटेज निकाल लेना। 2 kg बॉल के साथ मेरे को स्टैंडिंग थ्रो करनी है 12-12 के दो रेपिटेशन, दो सेट, 24 थ्रो हो गई। देन मेरे को 1.5 का लेके आयरन बॉल, उसको वन स्टेप में नेट के अंदर करना है, तो उसके हो गए 12-12 के दो सेट, 24 उसकी होगी, तो टोटल मेरे हो गए 48 रेपिटेशन। उसके बाद मेरे को 1 kg का लेके 2 cross से या 3 cross से ऑन नेट करना है या ऑन वॉल करना है। इसके मेरे को 12-12 के 3 sets करने हैं, इनफ। ये आपका थ्रो सेशन कंप्लीट है। देन आफ्टर आयरन बॉल, मेडिसिन बॉल के, जो मेडिसिन बॉल मैं इतना बता रहा हूँ, इसका भी ग्रिप बहुत बड़ा ना हो, इतना बड़ा ग्रिप नहीं होना चाहिए, इतना ग्रिप होना चाहिए आयरन बॉल का भी और मेडिसिन बॉल का भी, जो आपके हाथ में अच्छे से कैरी हो जाए। और उसको जब आप फेंको तो आपका रिस्ट ऐसे टूटा नहीं होना चाहिए, ये पीछे की तरफ, इसको ऊपर अप रखना, ये चीज, ये सबसे पहले अप रहेगी, देन अप, अप और रिस्ट अप, ये पोजीशन में रखना है आपको, नेक बैक देन अप, नॉट ये इसको नीचे नहीं की तरफ नहीं करना, अप रखना है। ये आपके थ्रोज हो जाती है। उसके बाद आप आओगे रनवे के ऊपर, रनवे के ऊपर आके आपको अपने फुल रनवे जो भी है आपका उसके ऊपर जाना है। फिर जेवलिन 6 बार आपको भागना है उसके ऊपर, टेढ़े हो जाना है, जेवलिन ऐसे कैरी कर लेनी है, क्रॉसिंग 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 क्रॉसिंग, ये आपको क्रॉसिंग करनी है उसके ऊपर। ठीक है, क्रॉसिंग आपको 6-8 बार भागनी है, देन आपको रनवे भागना है उसके ऊपर। रनवे जैसे आप कॉम्पिटिशन में भागते हो, आपको थ्रो नहीं करनी है, कुछ भी पैगिंग भी नहीं मारनी है आगे, आपको खाली रनवे भागना है। वो मैं आपको फॉर योर रनवे स्टेबिलिटी, रनवे जितना स्ट्रांग होगा उतनी स्ट्रांग थ्रो होगी, आप ये चीज एनालाइज कर लेना, क्योंकि ये मैं अपने 21 इयर्स कैरियर के अंदर जो मैंने सबसे ज्यादा फील की है चीज, वो ये है कि जिस बंदे का, जिस बी जेवलिन थ्रोर का रनवे स्ट्रांग है उसकी थ्रो स्ट्रांग है, जिसका रनवे स्ट्रांग बिल्कुल नहीं है उसकी थ्रो भी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको रनवे स्ट्रांग करना है। ये आपको कहीं लिखी हुई चीज नहीं मिलेगी, चैलेंज देता हूं कि अगर कोई पढ़ के बता दे कि ये यहां लिखा हुआ है ऑन बुक या ऑन किसी की बायो में लिखा होगा तो मेरे को बता देगा, वो रनअप्स के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, वो बता सकता है जिसने चोट खा रखी है उस चीज को लेके, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाया तो वो चीज उस चीज को बता सकता है। तो आपको जो फुल रनवे है जो मैं बता रहा था क्रॉसिंग के बाद भागने हैं, वो आपको कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 18-20 रनवे करने हैं। ठीक है, रनवे करने के बाद आप ओपन योर स्पाइक, जिम में जाओ, अपना जो भी रिकवरी ड्रिंक है, प्रोटीन जो भी है, जिम में जाके आपको वो थोड़ा लेके, उसके बाद आपको पिछली बार आपने बेंच प्रेस की थी, अब बेंच प्रेस में क्या ध्यान रखना है, बिगिनर्स को बता रहा हूँ, ये ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, हमें बेंच ऐसे नहीं करनी है, हमें बेंच इस टाइप से करनी है, एल्बो डाउन होंगी आपकी, ये नॉट ये करोगे तो ये मसल बोल जाएगा, वीक हो जाएगा, हमें ये रखनी है। वी आर नॉट अ डिस्कस थ्रोअर, वी आर जेवलिन थ्रोअर, हमें चेस्ट मसल बहुत ब्रॉड नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेंथ चाहिए पैक्स के अंदर, इस मसल के अंदर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये डाउन में हमें मिल जाएगी, हमें ऐसे नहीं करना, हमें ये बेंच करनी है, टच आपके जो यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ तक टच होगा, नॉट यहाँ पर टच नहीं करना, ये आपके बॉर है, ये यहाँ टच होगी, नॉट यहाँ। ओके, पिछली बार बेंच प्रेस की थी तो इस बार आप जर्क कर सकते हैं, बैक जर्क, वेट रख लेना साइडों में, अगर आपके शोल्डर में पेन है तो साइड में दो पार्टनर खड़े कर सकते हैं, वो आप ऊपर को पुश करोगे वो ऊपर से नीचे पुल, वो आपकी तरफ होल्ड करके स्लो लेके आ जाएंगे। इसके अंदर आप याद रखना कि आप पैर आगे पीछे भी कर सकते हैं, सेम जो जेवलिन में पैर आपका आगे आता है, सपोज लेफ्ट लेग ब्लॉकिंग है तो लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग जो लेफ्टी है उसकी राइट लेग आगे आएगी तो वो राइट लेग आगे। आपको बैक जर्क के कम से कम 4-5 sets करने हैं, रेपिटेशन 6-8
ये आप करना है, देन आपको चिन अप्स करने हैं, फिर अगेन चिन अप्स, क्योंकि थ्रो के अंदर शोल्डर थोड़ा स्लो फास्ट हो चुके होते हैं, उनको हल्का सा स्ट्रेंथनिंग करनी है हमें, ये करके देन आप अच्छी मोबिलिटी रेस्ट करो, कूल डाउन करो। नेक्स्ट डे आ जाता है फिर सैटरडे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।